ओके तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस टाइप का ब्लैक बैकग्राउंड सारी रील एडिटिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आप लोग एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को करना सब्सक्राइब। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं आप लोग को इंस्टाग्राम के एक बंदे के पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 12,000 यहाँ पे फॉलोअर्स है। एंड यहाँ पे रील का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ लेके आ रहा है बंदा। एंड ये काफ़ी कम टाइम पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर गेन कर लिया है। एंड एक बात है दोस्तों इस रील का कि काफ़ी ज़्यादा आसानी तरीके से आप लोग एक क्लिक में आप लोग इस टाइप का रील को एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और आप लोग सीख जाओगे, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो चलो यार चलते हैं एडिटिंग अप करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग को पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को न्यू टेक्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग को डिलीट कर देना है। ऊपर में प्लस का आइकन में क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। आप लोग चाहो तो यहाँ कुछ भी शायरी यहाँ पे किस टाइप का भी शायरी लिख सकते हो। आप लोग जैसा ही शायरी लिख लेते हो आप लोग को ओके करना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से शायरी वाला लाइन आप लोग को दिखाई देने लग जाएगा। आप लोग को इसको बिल्कुल सेंटर पर लेके आ जाना है। एंड चाहो तो आप लोग इसका साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा साइज़ को कम कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप लोग साइज़ को कम कर लेते हो आप लोग को न्यू टेक्स्ट को लेना है। अब आप लोग को दो इमोजी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ऐड हो जाता है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो, अब आप लोग को इसमें एक फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है। तो फ़ॉन्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो माय फ़ॉन्ट्स में आप लोग को आ जाना है। आप लोग जैसे ही माय फ़ॉन्ट्स में आ जाते हो यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, iOS करके सर्च करना है। आप लोग जैसे ही सर्च करते हो यहाँ पे देख सकते हो iOS वाला फ़ॉन्ट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके आप iOS वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेना। एंड इसका लिंक भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो iOS वाला फ़ॉन्ट वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों साइज़ का बात करें तो आप लोग को 45 रख लेना है। एंड जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बिल्कुल उसी टाइप से आप लोग को भी एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग को चाहो तो अपना इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ और जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं लिख लिया हूँ। एंड यहाँ पे साइज़ का बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 20 के अप्रोक्स आप लोग को साइज़ को रखना है। एंड राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आप लोग को देख सकते हो स्टाइल वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देता है, ये आप लोग को इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इटैलिक वाला ऑप्शन आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। अब आप लोग वाटरमार्क को नीचे के साइड में यहाँ पे कुछ स्टेप से एडजस्ट करके लेके आ जाना है। दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पे जो PNG हमारा बनेगा, आप लोग को बैकग्राउंड को सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट रख लेना है। अब आप लोग को सेव कर लेना है इस PNG को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा PNG सेव हो चुका है। अब आप लोग को वीडियो क्रिएट करने के लिए इलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग को इलाइट मोशन को डाउनलोड करके ओपन करना है। एंड यहाँ पे जो भी रिजोल्यूशन वगैरह है आप लोग को सेटिंग्स वगैरह उसी टाइप से रखना है। अब आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करके मीडिया पे आ जाना है। एंड इस PNG को ऐड करना है। एंड आप लोग चाहो तो यहाँ से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। अब इसका टाइमलाइन को आप लोग को बढ़ा लेना है, आप लोग को जितना रखना है। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्स 11 सेकेंड के आसपास रखता हूँ, आप लोग चाहो तो अपने अनुसार रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। अब आप लोग को इफेक्ट में आ जाना है। आप लोग जैसे ही इफेक्ट पे आ जाते हो तो ऊपर में आप लोग को सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप लोग को फेड सर्च करना है। आप लोग जैसे ही फेड सर्च करते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप लोग को दिखाई देता है। तो अब आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है। सबसे पहले तो आउट में आ जाना है एंड 0.00 सेकेंड रखना है। एंड इन में आकर के आप लोग को 2.00 सेकेंड रख लेना है। अब देख सकते हो फाइनली हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोग सीख सकते हो। एंड ये एक बार आप लोग अपलोड करके देखो, काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का रील वायरल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अब आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो अब आप लोग को सेटिंग के बगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड जब आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो आप लोग क्वालिटी को आप लोग को हाई कर लेना है। एंड हाई करने के बाद आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एंड म्यूज़िक का बात करें दोस्तों तो आप लोग को म्यूज़िक आप लोग को इंस्टाग्राम से ही यूज़ करना है। एंड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है रील वायरल होने का। तो अब आप लोग को देख सकते हो सेव वाला बटन आ जाएगा। तो सेव वाले बटन में आप लोग को क्लिक करना है। और आप लोग जैसे ही सेव वाले बटन पर क्लिक करते हो आप लोग का वीडियो सेव हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कुछ इसी टाइप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।